नहीं किया था। आप तो भी जा रहे हैं। लेकिन आप हैं। चलेगा? लेकिन आप हैं आप यार अंदर इसको उसके यहाँ हम पहले उसके लिए। अरे हल्ला बंदी वाले कौन है? ले वाले जन्म माने दो जन्म जन्म ब्राह्मणों के लिए कहा जाता है कि ब्राह्मण का जब जन्म होता है पेट से बच्चा पेट से जन्म लेता है गर्भ से जन्म लेता है तो उसको पक्का ब्राह्मण नहीं माना जाता है। क्या उसको द्विज नहीं कहते? द्विज माने ब्राह्मण। द्विज तब कहा जाता है जब उनका यज्ञोपवीत हो जाए। क्या यज्ञोपवीत जब होता है तब कहते हैं आप पक्का ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है वो बच्चे की शादी तब तक नहीं करेंगे जब तक उसका यज्ञ कभी न हो। उसको कहते हैं द्विज। ये कहां से परंपरा चली? यहाँ संगम में हुए। संगम में हुए जब बाप आते हैं तो ब्राह्मण बच्चों ने जन्म लिया, ब्रह्मा से जन्म लिया ब्राह्मण हुए, प्रजापिता ब्रह्मा से जन्म लिया वो भी क्या हुए ब्राह्मण हुए। लेकिन जब तक यज्ञोपवीत न धारण करें तब तक ब्राह्मण नहीं कहेगा। यज्ञोपवीत माना क्या? तीन धागे, एक है ब्रह्मा की स्मृति का धागा, ब्रह्मा की पहचान, ब्रह्मा कौन, ब्रह्मा के रूप में पाठ बजाने वाली विशेष आत्मा कौन और उसका क्या पाठ है, फिर विष्णु के रूप में पाठ बजाने वाली आत्मा कौन और शंकर के रूप में पाठ बजाने वाली आत्मा कौन, ये पक्का पक्का बुद्धि में बैठ गया। कोई पूछे कैसे तो उसका भी जवाब दो, ये ब्रह्मा ये विष्णु और ये शंकर। ये तीन सूत्रों को जो बुद्धि में अच्छी तरह धारण कर ले उसको कहा जाता है यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण। द्विजन्म दूसरा जन्म जैसे सत्युग के कृष्ण का गायन है या संगम युग के कृष्ण का गायन है? संगम युग कृष्ण का गायन है। तो संगम युग में जो कृष्ण है वो कौन व्यक्तित्व है जो संगम युग कृष्ण का पाठ बजाता है? बाबा ने मुझे बोला नेक्स्ट गॉड इज शंकर, नेक्स्ट गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट गॉड इज नारायण और नेक्स्ट गॉड इज कृष्ण। माना कृष्ण नारायण प्रजापिता ये सब एक ही व्यक्ति के नाम है, पर्सनालिटी एक ही है। तो शंकर को भी जनेऊ धारण करके दिखाते हैं। शंकर का जो चित्र होता है उसमें यज्ञ कभी दिखाते ही नहीं, तो संपूर्ण ब्राह्मण का रूप है। जब तीनों मूर्तियों का पक्का पक्का ज्ञान बुद्धि में बैठे। लेकिन बाबा अभी ब्रह्मा पात्रधारी आत्मा कौन है? ब्रह्मा दादा देख रहा है तो तेरी छोड़ दिया, लेकिन मुरली में बोला है वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। रियलिटी में जगदम्बा कौन है? ये ब्रह्मा दाढ़ी मूंछ वाला ये तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन हो सकता है, पग लगा दू परंतु लगा हुआ
इसलिए पक्की जगदम्बा जी कही जाती है। तन पुरुष का है तो पुरुष तनधारी कन्या माताओं को एक राज्य में कैसे रखा जाए, इसलिए उम्र आदि को निमित्त रखेंगे। तब तक के लिए जब तक वो जगदम्बा जन्म न ले सकती क्या, तो सन 65 में ही सरस्वती ने भी शरीर छोड़ा और सन 65 में ही जगदम्बा है सच्ची पैर छोड़ने वाली जिसमें ब्रह्मा की सोल प्रवेश करके पाठ बजाती है जगदम्बा, वो भी साकार जन्म है। उधर रानी ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा जो कन्या माता को संभाल करने वाली थी, और इधर साकार वो जगदम्बा जो यज्ञ के याद में थी जिसके मुख से साक्षात्कार को सुनाया गया प्रजापिता को, तो प्रजापिता पहला ब्राह्मण बन गया। पहला ब्राह्मण किसका बना, पिताला को बना, किसी के मुख से सुना होगा तभी तो ब्राह्मण बना। ब्रह्म मुख की औलाद ही तो ब्राह्मण कहा जाता है, तो प्रजापिता के कौन से ब्रह्म की औलाद, वो माता जो है कि आदि ने भी जिसके मुख से सुना वही पहली माता, वही माता फिर संख्या से जन्म ले लेती, मम्मा से छोड़ देती, तो वो बड़ी हो जाए तब उसमें ब्रह्मा की धूल रवे फिर वो जब माता के रूप में संसार में प्रत्यक्ष हो, आज में है दुर्गा के रूप और अंत में है उसका महाकाली का रूप, आदि कार्तिक स्टेज का रूप है दुर्गा, दुर्गों को दूर करने वाली दुर्गा, और अंत का पार्ट है महाकाली, क्योंकि देवियों के ऊपर ये जिम्मेवारी रखी गई है। क्या ब्रह्मा द्वारा इसका गेट खोलता हो, गेट खोलता हो माताओं के द्वारा गेट खोला जाता है, पुरुषों के द्वारा गेट नहीं खोला जाता, क्यों, तब पुरुष जो है वो प्योरिटी के मामले डब्बा बोल, अन्याय माताएं अगर अपने पर आ जाए, अपनी पर आ जाए हिम्मत करें तो वो नई दुनिया की स्थापना में परमात्मा की सबसे ज्यादा सहयोगी बन सकती है। तो उनमें जगदम्बा का नाम है और जगदम्बा इतनी पावरफुल भी है कि अगर कोई ना माने, क्या पहली पहली रचना है ना इसकी, गॉड फादर रचयिता बाप की पहली रचना है, तो ज्यादा पावरफुल होगी कि नहीं, इतनी पावरफुल है कि अगर ना माने ब्राह्मण, ब्राह्मण तो दो तरह के होते हैं, अच्छे ब्राह्मण और राम को क्या मैं मेघनाथ जैसे ब्राह्मण, संख्या जिनकी ज्यादा होती है पूरे ब्राह्मण की संख्या ज्यादा होती है राक्षसी ब्राह्मण, तो अगर नहीं मानते हैं तो फिर वो महाकाली का रूप धारण करते और सब आसुरी ब्राह्मणों का पत्ता साफ कर दी, सरदार करती है या कोई तलवार के साथ देती है नहीं, अनिश्चय बुद्धि ऐसा पाठ बजाती है कि सारे ही के सारे आसुरी ब्राह्मण क्या बन जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि मरती मर जाते, मर गए मन खराब, जब मरे गए तो पद क्या पाएंगे, तो शक्तियों को ये काम मिला हुआ क्या असुर संघारणी, ब्रह्मा का काम नहीं है असुरों की संघार करना, शंकर का नाम कहा जाता है क्या शंकर द्वारा बिना, लेकिन शंकर बिना करता नहीं है क्या, चमड़ी लेके और डांस करने से बिना हो जाता है क्या, अरे
नाचने से विनाश हो जाएगा क्या? विनाश करने के लिए तो पावरफुल आत्मा चाहिए, ऐसी पावरफुल विनाश कैसे होता है? विनाश प्योरिटी जो होता है या इम्प्योरिटी जो होता है? इम्प्योरिटी से विनाश पवित्रता से होता है या पवित्रता से विनाश होता है? इम्प्योरिटी से विनाश होता है। दुनिया में जैसे जैसे इम्प्योरिटी बढ़ती जा रही है, दुनिया गति में बढ़ती जा रही है, तो ये इम्प्योरिटी का जो काम है वो अपन संघारी के द्वारा महाकाली के रूप में लाया जाता है। इसलिए देवी के दो रूप हैं, एक रूप है साकार बैगनी देवी लक्ष्मी भारत माता, और दूसरा रूप है मांसाहार। महाकाली के मंदिर में क्या कहा जाता है? मांसाहार है, पाठ पाठ से ढेर मांसाहार अच्छी तरह से खाती है, चबा चबा। इस शक्ति में से देवहर का संपूर्ण संपूर्ण नाम है। टीचर का पार्ट खत्म हो जाएगा। अब जब आठ आठ टीचर तैयार हो गए तो एक टीचर को रिटायरमेंट नहीं देंगे? नहीं, जब आठ आठ टीचर तैयार हो गए, बाप समाज देश को धारण कर लिया, तो जो बड़ा टीचर है वो आराम से कुर्सी में नहीं बैठेगा, बैठेगा फिर क्या? सत्यु का पार्ट सदगुरु का पार्ट तो ठीक है। सदगुरु भी जो है वो सदगति करने वाला है, तो वो सदगति कैसे करेगा? का बोल बोल के सदगति करेगा क्या? दृष्टि से शक्ति सुधरती है, जो उन्होंने बोला ऐसी तीखी दृष्टि देगी जो तुम बच्चे सहन नहीं करोगे। देवालय में मूल विराज कौन है, पुष्प विग्रह कौन है, ये दोनों अलग अलग है एक ही मंदिर में है। जो मूर्ति रखी जाती है तो बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं वो तो पुष्प मूर्ति कहते हैं उसको, और जो मूल विराट होता है दोनों में अंतर है, अंतर है या एक ही? मस्जिद में अंदर एक बड़ा मूर्ति रहती होती है और एक छोटा मूर्ति रहता है, वो बाहर घूमता है और वो जब कोई बाहर में ले जाते हैं को रथ में रख करके घुमाने ले जाते हैं, घुमाने ले जाते हैं। हाँ, उस दोनों में क्या फर्क है? मूर्ति जो है वो एक जो अंदर रखी हुई है वो मूर्ति, और जिसकी पूजा होती है वो मूर्ति, और जो परिक्रमा लगाई जाती है जिस मूर्ति की, वो अंतर ये है दिखाया छोटे बड़े का कि अंदर जो स्थायी रूप से रखी हुई है वो संपन्न हो चुकी है, उसको धक्के खाने की दरकार नहीं, और जो चक्कर काट रही है तो ना छोटा पुरुषार्थ है, अभी बड़ा होने वाला है, जब पूरा पुरुषार्थ हो जाए तो चक्कर काटते हुए दिखाएगा ना, तो जरूर संगम रूप में चक्कर काटा होगा उस मूर्ति में। क्या जगन्नाथ की मूर्ति को चक्कर काटाते हैं ना, तो चक्कर काटने का मतलब इसलिए सेवा का चक्कर काटा होगा या ऐसे चक्कर काटता रहा होगा, उनका फिर क्या रहता होगा? घूमने घूमने मतलब वो घूमना फिरना, तो भूतों का काम करने के लिए नहीं, लेकिन जो छोटी मूर्ति दिखाई जाती है उसका अर्थ पूरा नहीं हुआ है, जितना बड़प्पन का पुरुषार्थ होना चाहिए वो पूरा नहीं हुआ है तब तक चक्कर का, जब चक्कर पूरा हो जाएगा तो संपन्न मूर्ति बन जाती है, बड़ी मूर्ति मंदिर रखी हुई दिखाई। कौन है?
अंदर कौन है? जो बहुत धन संपत्ति वाला है, उससे ज्यादा धन संपत्ति वाला कोई है ही नहीं। वासुदेव में उसे एक का नाम कुबेर है। क्या है धन संपत्ति? दूसरों को बांटने के लिए होती है। धन संपत्ति दूसरों को बांटने के लिए होती है या घर के अंदर रखने के लिए होती है? हाँ, तो जो धन संपत्ति है, जो ईश्वरीय ज्ञान है, उस ईश्वरीय ज्ञान को बांटने का सबसे जाति प्रबंध किसने किया होगा? कुबेर। कुमार का दादी ने इतना प्रबंध नहीं किया, जगदीश भाई ने ये प्रबंध नहीं किया, किसने किया? खुद ही ज्ञान को नहीं समझे। जब ज्ञान को खुद समझे ही नहीं तो दूसरों को बांटेंगे क्या? पहले तो सुनने सुनाने से ज्ञान पूरा हो जाता है क्या? ज्ञान को सुन लिया, दूसरों को सुना दिया, श्लोक रट लिया, रटा हुआ श्लोक दूसरों को सुना दिया, तो उससे ज्ञान पूरा हो जाएगा? नहीं, पहले समझना और समझ करके फिर दूसरों को समझाना और चारों तरफ दुनिया में वो ज्ञान बांटने का प्रबंध करना। तो कुबेर ने ये काम संपन्न किया। न सरस्वती के द्वारा वो कार्य संपन्न हुआ, न ब्रह्मा के द्वारा वो कार्य संपन्न हुआ और न जगदम्बा के द्वारा वो काम संपन्न हुआ। किसके द्वारा संपन्न हुआ? नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा भी कहाँ हुआ? कुबेर के द्वारा। प्रजापिता ब्रह्मा का तो अष्टदेवों में ईश्वर के रूप में गायब है, शंकर के रूप में। ईशान कोण में अष्टदेवों में जो शंकर है वो बैठा हुआ, किसे दिशा से उदित होता है? ईशान कोण से उदित होता है। ईशान कोण जो है वो भारतवर्ष के किस तरफ है? बंगाल नेपाल का बीच का प्रदेश है, बीच की जो दिशा है ना वो ईशान कोण। ईशान कोण में ईश्वर को दिखाया है, उसका नाम ईश्वर रखा है, किस रख दिया है? शंकर जी का। तो वो तो ऊंचे से ऊंचा महादेव है, वो देवता नहीं है, क्या है? महादेव। सब आठ देवों में भी सबसे बड़ा देवता है, लेकिन जिसका नाम कुबेर है, बहुत धन संपत्ति दक्षिण भारत में आठ देवताओं के चित्र दिखाए गए, उत्तर भारत में चित्र नहीं मिलते। क्या? हाँ, उनमें उत्तर साइड में, दक्षिण साइड में, पूर्व साइड में, पश्चिम साइड में और उसके कोनों में ये आठ देवता दिखाए जाते हैं। कुबेर है वो धन संपत्ति का स्वामी दिखाया गया, ऐसे ही स्वामी दिखा दिया गया था कि दान किया होगा तब स्वामी से दिखाया जाए। तो धन को, धन संपत्ति को दान करने का प्रबंध किया। बांटे जाओ, बांटे जाओ, खूब बांटो। परिवर्तन का रणनीति क्या है? आत्मपरिवर्तन का रणनीति क्या है? आत्मपरिवर्तन का सबसे पहली विधि है दिशी आत्मज्ञान। शिक्षा भूलो बस, इससे पहली विधि और क्या हो? दूसरे में देखो तो नाक मत देखो, मुंह मत देखो, पेट मत देखो, क्या देखो? इच्छा देखो, अपने अंदर भी इच्छा देखना और दूसरों के अंदर भी वृत्ति में इच्छा देखना। सबसे विधि सहज है, सुबह से लेकर के शाम तक सांस लगी रहे, क्या इच्छा देखो? सुबह उठते ही उठते पक्का फाउंडेशन डाल दो, फाउंडेशन पक्का होगा
तो बिल्डिंग पक्की होगी, ऊंचे से ऊंची बिल्डिंग बना लो। फाउंडेशन अगर कच्चा है तो बिल्डिंग भी कच्ची होगी। तो सवेरे सवेरे का वेला फाउंडेशन मिला, जैसे ही उठो कुछ याद ना आए, क्या याद आए सबसे पहले मैं आत्मा हिस्सा बैठ जाते हूँ। कठिन है क्या? कठिन वहाँ ना तो खुल है, ये काम कठिन है। अरे हम आत्मा है कि देह है? जो चीज हम है उस चीज को याद कर सकते। त्रेसठ से लोग बिंदी लगाते चले आए, टीका लगाते चले आए, अब टिकने की बारी आई है, उनके स्वरूप में स्मृति स्वरूप बनने की बारी आई है, सिर्फ एक जन्म। तो प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए? अब बूढ़े आदमी को तो आओ पैर को धंधा ही होगा क्या? वान शक्ति हो गई दुनियादारी से क्या छूटा, बस एक ही काम रह गया उनका देह के लिए जो कुछ करना था धरना था कर लिया। बहुत है वान शक्तियों के लिए तो बहुत है, कोई धंधा जोड़ी नहीं, एक ही धंधा रह गया अपन को आत्मा समझना और बाप को लिया। हाँ ये बात जरूर है कि हाव हाव करते रहे, ये भी मेरा वो भी मेरा, इस बच्चे ने जो कमाया वो भी मेरे हाथ में लाओ बैंक में डालो, तो आत्मा याद नहीं, याद नहीं, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, देह मेरी नहीं, देह के संबंध मेरे नहीं, देह के पदार्थ भी मेरे नहीं, सब अर्पण कर दिया। सब कुछ जब अर्पण कर देंगे ईश्वरीय सेवा दे देंगे पक्का कर लेंगे, या मुझे अपने लिए यूज कुछ भी नहीं करना है, अपने लिए बस दो पाव बराटा का भी पाव बराटा आदमी को मिलता रहे तो जिंदा बना रहे या नहीं, भगवान को याद कर सकता है नहीं कर सकता है, बस इतना चाहिए। अगर ये पक्का कर दिया तो नहीं आता है, सबसे सहज प्रकार है। कन्वर्ट कर लिया ना उसे, जब प्रवेश किया प्रवेश करते ही कन्वर्ट कर लिया उसे, क्राइस्ट वाली आत्मा आई और जिस में प्रवेश किया उसको आपने कंट्रोल ले लिया। जैसे पति होता है तो पत्नी को कंट्रोल में रखता है कि नहीं, पति क्या करता है पत्नी को आपने बुद्धि ले लिया, तो ऐसे ही वो ऊपर से आने वाला धर्म पिता है वो जिस में प्रवेश करता है उसको आपने कंट्रोल ले लिया। दोनों की अगला जन्म मिलेगा दोनों अलग, वो अपने धर्म में राजा ही करेंगे, वो नहीं करेंगे उसको राजा ही घोड़ी देते, अम्मा को राजा ही मिलती है क्या? तो आगे बना दिया रहेगा वो क्या बीज रूप आप नहीं है, बीज है बाप किस तरह खराब की दया पाता हूँ मैं?
इक्कीस करोड़ की देवता कौन है? कितने? 33 करोड़। 33 करोड़ की देवता कौन है? कौन है? कौन है इसका मतलब? एक एक का अलग अलग नाम बताया जाए। सखी को आदि से कल का अंत बना के बाबा आज से लेकर के कलयुग तक आत्माएं उतरती रहती और सब धर्म की आत्मा उतरती है। ऐसे नहीं कि कोई धर्म की उतरना बंद हो जाती है, नहीं, हर धर्म की आत्माएं कलयुग अंत तक उतरती है। उनमें 33 करोड़ देवताएं भी वो धीरे धीरे उतरते रहे, वो उतरते हैं और उनमें जो दूसरे आने वाले हैं वो उतरने के बाद जब वो जन्म लेते हैं बड़ा शरीर बनता है तो उनमें वो शरीर माने 33 करोड़ देव आत्माओं में जो भी दूसरे धर्म के क्राइस्ट आदि हैं या उनके फॉलोअर्स हैं, इब्राहिम आदि हैं या उनके फॉलोअर्स हैं, वो प्रवेश करते हैं। दूसरों में प्रवेश नहीं करेंगे। जो देवता धर्म की आत्माएं हैं पुराने भी पुरानी उन्हीं होते हैं। सारी जिंदगी जो ज्यादा याद किया होगा वो यश हो जाता है। हर जन्म की आदत पड़ी हुई हर जन्म हर जन्म में स्त्री पति को याद करती है। सारा जीवन में सबसे जास्ती किसकी याद आती है? पति की याद आती है। तो अंत समय में जब शरीर छोड़ती है तो किसकी याद आ जाएगी? पति की याद आ जाएगी। तो क्या बनेगी? पति का शरीर याद किया तो क्या बनेगी? पुरुष सब मिल जाता है। ऐसे पुरुष जो है सारा जीवन किसको याद करता है? काम विकास प्रधान होता है तो स्त्री को याद करता है। स्त्री का चोला सारा जिंदगी याद किया तो उस समय में कौन याद आ जाए? वो स्त्री चोला याद आ जाए तो स्त्री का जन्म मिल जाता है। కాబట్టి సర్వ సంబంధాలు కూడా పెట్టుకున్నట్టయితే జగదంబా యాద కరే जगदम्बा को याद कर रहे थे दुर्गति होगी या समृद्धि होगी? दुर्गति है। अच्छा हम जगदम्बा को याद नहीं कर रहे, हम लक्ष्मी को याद कर रहे। कौन सा बाबा क्लास का बाबा ने क्लास किया? बाबा का क्लास सोमवार डाले। हाँ तो टीचर बनाया आने वाली व्यक्ति को याद किया। जैसे भी याद करोगे वैसे गति बने। एक को याद करेंगे हाँ, लेकिन अधीन बनने वाली आत्मा है ये अधिकारी राजा बनने वाली आत्मा है। क्या बनोगे? अधीन बनोगे जमीन नाम तक या राजा बनोगे? आने याद आराम करना बात अलग है लेकिन याद करना वो ठीक नहीं है। बाबा मुरली में बोला है
मई 84 जन्म के अंत के भी अंत में मैं आता हूँ, लेकिन प्रजापिता का जन्म 83 है ना? 83 जन्म है किसने कहा? बहुत जन्मों के अंत में, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। तो बहुत जन्म कितने हुए? बहुत जन्म 84 कहेंगे या बहुत जन्म 83 कहेंगे? 84 है। तो सन 36 में प्रजापिता का 84वां जन्म था या 83वां था? कौन सा जन्म था? बहुत जन्म था या थोड़ा जन्म था? बहुत जन्म था। बहुत जन्म मैंने 84 बने, बहुत जन्म था वो, लेकिन बहुत जन्म में 7 साल ही हुआ, 60-70 साल ही हुआ, उससे ज्यादा नहीं हुआ, इसलिए वो पूरा हो गए। तो 7 साल जो आयु है वो ब्रह्मा की नहीं गाई जाती, कितनी गाई जाती? 100 साल हो जाती। उसने तो पहले ही करीब छोड़ दिया शुरुआत में, तो वो जो टाइम बचा है वो ऐड करना पड़ेगा। वो ऐड होता है जाके तब 100 साल पूरे होते हैं। 75 में 100 साल पूरे हुए तो वो उनका 84 जन्म पूरा, 84वां जन्म पूरा हुआ। फिर अच्छा 80वां जन्म नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म संगम युक्त। वो 84वां जन्म भी है क्योंकि शरीर तो 84वां क्या 85वां नया जन्म नहीं लिया संगम। तो जो नया जन्म लिया क्या 85वें बाप से लिया या 84वें बाप से लिया? अभी एक बात चल रही है ना यहाँ, वो नहीं सुन रहे जो बात चल रही है, वहां तक बुद्धि पहुंचा हो। माता का कहना ये है कि सन 36 में जो प्रजापिता में जिन्होंने प्रवेश किया वो 84वां जन्म था या 85वां जन्म था? बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। तो अंत का भी अंत कब पूरा हुआ? कई दिन में जाकर वो 84वां जन्म पूरा हुआ, फिर एक्स्ट्रा आर्डिनरी जन्म शुरू हो गया, क्योंकि शरीर वही है, संगम है एक ही शरीर में दोनों। तो जो 76 से जो शुरू हुआ वो बुद्धि का रिफॉर्मेशन शुरू हुआ, बुद्धि का रिजिनेशन शुरू हुआ या शरीर का रिजिनेशन शुरू हुआ? बुद्धि का रिजिनेशन शुरू हुआ पहले, बुद्धि रिजिनेट हो, फिर जब बुद्धि रिजिनेट हो जाए, बुद्धि संपूर्ण पवित्र बन जाए, तब फिर बुद्धि के चारों तरफ की आत्मा के वाइब्रेशन दृष्टि के और वृत्ति के शुद्ध होना शुरू होगा। जब वाइब्रेशन चारों तरफ से शुरू होंगे अच्छे, तब शरीर के 5 तत्व भी शुद्ध होंगे, निरोगी काया हो जाए। टाइम आता है जब संगम जी कृष्ण की प्रत्यक्षता लाई जाती है, द्विजन्म दूसरा जन्म, पहला जन्म और फिर दूसरा जन्म, तब कहेंगे कि वास्तव में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म वो पूरा। पूरी बंगाल में माता तो ज्यादा पूजा करते काली कलकत्ते वाली गाई जाती है। ऐसे देवी की पूजा तो उत्तर भारत में भी होती है, पंजाब में भी बहुत देवियों की पूजा होती है। ज्यादा मंदिर कहाँ बने हुए देवियों? पंजाब में ढेर सारे मंदिर बने हुए उत्तर भारत में।
लेकिन महाकाली के रूप में विशेष पूजा कहाँ गाई हुई है? कलकत्ते में। कलकत्ते में महाकाली के रूप में पूजा इसलिए गाई हुई है कि कलकत्ता ही एक ऐसा शहर है जहाँ से सृष्टि की शुरुआत का काम शुरू होता है, और कलकत्ता ही एक ऐसा शहर है जहाँ तमोप्रधान दुनिया में सबसे जाती वैश्य बच्ची होती है। इसलिए महाकाली का पाठ भी कहाँ है? क्यों कलाई के लिए सकम पड़ता है दुनिया में, वैश्यालय बनता है तब पड़ता है या शिवालय में कलय पड़ता है? जितना जितना वैश्यालय बढ़ता जाएगा, व्यभिचार बढ़ता जाएगा, उतना उतना कलह पे बढ़ता जाएगा। ये सबसे ज्यादा बढ़ोतरी होती है व्यभिचार की कौन से देश में? क्या कह रहे हैं आप? निरंतर योग्यता और समय रहने की सारी शिक्षा है। आप उनकी स्थिति में रहोगे फिर योग अभी तो पूछा आपकी स्थिति में रहना माना योग युक्त स्थिति का पहला कदम हमने पक्का कर दिया। फाउंडेशन पक्का हो गया योग्यता बनी जाएगी। ऐसे कोई नहीं समझे कि हम आत्मा को याद न करें और बाप याद आने लगे। पहली शर्त क्या है? अपन को आत्मा पहला फाउंडेशन पक्का करना, फिर बाप सहज याद आएगा अपने आप। जहाँ आत्मा है वहां परमात्मा बाप तो है ही है, बच्चे से बाप जुड़ा नहीं हो सकता। बाप पढ़ाने ही किसको आता है? अपने बच्चों को पढ़ा तो देवानियों को पढ़ाने आता है कि आत्मा को पढ़ाने आता है? जो आत्मा बनते हैं उन्हें को ही पढ़ाई पढ़ाता है, इसलिए आत्मा बनने वालों को सहज हो जाता है। जो देवान में रहते उनको सहज नहीं है। ठीक है, जरूर मिलता है। दो सौ करोड़ आत्मा को जीवन मुक्ति मिलता है या नहीं? जीवन मुक्ति एक जन्म की है। दो सौ करोड़ जब कहेंगे, दो सौ करोड़ नहीं कहो, दो करोड़ कहो, दो करोड़ को तो इक्कीस जन्म की गिनती। सात सौ पाँच सौ सात सौ करोड़ काम पर निकाल दिया जो दो सौ करोड़ है। अरे उनकी मुक्ति जीवन मुक्ति क्या, वो तो कीड़े मकोड़े की तरह है, आए और एक जन्म लिया गए। जैसे पतंगे होते थे रात में, बरसात के बाद पतंगे पैदा होते हैं, देर देर पैदा हो जाते हैं, फिर एक ही रात में सवेरे को सब मरे पड़े। ऊपर से ऊपर से आती है, रात में जन्म लिया खत्म हो गए। वो तो कीड़े मकोड़े जैसे उनको प्रवेश भी करेंगे और फिर अगला जन्म भी लेंगे। प्रवेश करेंगे तो उनको जीवन मुक्ति मिलेगी। क्या माने? साढ़े सात सौ करोड़ भी आत्मा जो होगी, साढ़े सात सौ करोड़ जो लास्ट वाली आत्मा होगी वो भी पहले जन्म में शुरू होगी। हाँ जी, प्रवेश करेंगे और फिर पचास के जन्म छोड़ के गर्भ से जन्म लेंगे। ये हाथ को पकड़ा, इस हाथ ने इस हाथ को पकड़ लिया है। ये हाथ तो स्थूल है और वो हाथ भी स्थूल है। हाथ से कोई चीज कैच की जाती है, क्या एक डब्बा है हाथ ने पकड़ लिया ना। आप इस डब्बे ने आपको छोड़ भी, आपने इस डब्बे को छोड़ भी दिया, तो ये बुद्धि भी हाथ का मिसाल है। भगवान की बुद्धि
बुद्धि रूपी हाथ इस सारी सृष्टि की एक एक आत्मा को पकड़ लेता है। तो हमें चाहिए कि हम अपना बुद्धि रूपी हाथ उस बाप के हाथ में दे दें। क्या वो हमारा हाथ पकड़ के ले खींच के ले जाए, लेकिन हम खुद ही अपना हाथ में हाथ दे दें, बाप के हाथ में अपना हाथ दे दें, माने अपनी बुद्धि उसको अर्पण कर दो, उसको कंट्रोल कर दो। करेंगे तब जब पहचानेंगे तब करेंगे या बिना पहचाने कर देंगे? जो जितना गहराई से बाप को, बाप जो है जैसा है जिस रूप में पार्ट बजाय रहा है उसको पहचानेंगे तो उसके बुजुर्ग के हाथ में अपना हाथ बुजुर्ग की दे देंगे, नहीं पहचानेंगे या जब पहचानेंगे तब देंगे। कोई पहले पहचान ले, कोई बाद में पहचान ले। जो पहले पहचान लेंगे वो पहले ही अपना हाथ अर्पण करते हैं, तो ज्यादा फायदेमंद कौन रहेंगे? जो पहले पहचान के बाप के हाथ में हाथ दे देगा वो अपन पा जाएगा, वो ज्यादा प्राप्ति कर जाएगा। जो बाद में लास्ट में अपना हाथ देंगे जब प्रकृति की मार पड़ेगी, सरकार की मार पड़ेगी, समाज की मार पड़ेगी, फिर जबरदस्ती दे दिया तो फिर उनका बल जो सत्य है वो ही शिव है, माने कल्याण। अगर सत्य नहीं है तो कल्याणकारी भी नहीं, और जो कल्याणकारी है वो ही सत्य है। कोई चेहरे का बड़ा सुंदर हो लेकिन अकल्याण करने वाला हो, सत्यानाश करने वाला हो तो कल्याणकारी नहीं है। जो सत्य है वो कल्याणकारी भी है, वो ही सुंदर है, सत्य ही सुंदर है। और जो शिव है अर्थात कल्याणकारी है वो ही सुंदर है। माना चेहरे बोरे से कोई कितना भी कौन हो लेकिन दूसरों को कल्याण करने वाला, किसी का कल्याण करने वाला नहीं है। मन से वैद्य तरह कल्याण के नहीं छोड़ता, दृष्टि जो है वो किसी के प्रति अकल्याण की नहीं जाती, दृष्टि कल्याण की है, भावना कल्याण की है, कर्मेंद्रियों से जो कर्म करता है वो भी दूसरों को कल्याण के लिए करता है। लेकिन चेहरे से बने गुरु को तो उनको क्या कहेंगे? शिव कहेंगे, कल्याणकारी कहेंगे, सच्चा कहेंगे या झूठा कहेंगे? तो इस दुनिया में 100% सत्यम और 100% शिवम मैंने कल्याण और 100% सुंदर जो एक मुकर रथ में वो ऊपर वाला आकर के प्रत्यक्ष होता है। ये आंखें किसको देखना चाहती है? पुरुष को देखना चाहती है या रूप को देखना चाहती है? आंखें जो है वो किस चीज की लोभी है? रूप की लोभी है ना। लेकिन इस संसार में सबसे ज्यादा रूपवान, सबसे ज्यादा सुंदर भगवान ही बनकर के संसार में आता है। पहले रूप रूप में आता है तो उतना सुंदर नहीं दिखाई पड़ेगा, साधारण सब दिखाई। जब लास्ट में संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है तो जितना भगवान सुंदर दिखाई पड़ेगा, भगवान को देखने के लिए जितना लालायित आंखें रहेंगी उतना और कोई भी दुनिया में लालायित नहीं है। उसको सत्यम वो दुनिया में सबसे जाती 100% सच्चा भी है, उससे ज्यादा दुनिया में और कोई कल्याणकारी भी नहीं है और उससे ज्यादा सुंदर भी कोई दुनिया में नहीं होगा, साधक नहीं होगा। जो सुंदर होगा उसको सारी दुनिया देख दो, पेट ही नहीं भरेगा, देख बस देखते ही रहे, देखते ही रहे।
देवताएं जो कर्म करती हैं उसका न पाप बनता है और न पुण्य बनता है जो अगले जन्म में फल दे। संगम युग में जो उन्होंने प्रारब्ध बनाई है पुण्य की वो भोगते रहते। लक्ष्मी को जो नारायण के पांव दबाते हुए दिखाए गए उसकी को ग्लानी नहीं कहेंगे ना? ग्लानी है ये बुद्ध रूपी पांव दबाया है या स्थूल पांव दबाए है आज की तरह उनको उनकी बुद्धि की तकलीफ ज्यादा होती है। बुद्धि के आधार पर जो बच्चे बनते हैं वो यहाँ ज्यादा दुख देते हैं या वो स्थूल दुख देने की बात है थे? लक्ष्मी को पांव दबा से दिखाया जगदम्बा को क्यों नहीं दिखाया? जगदम्बा पांव तोड़ देती है क्या? बुद्ध रूपी पांव दबाए नहीं जाते हैं। कोई अच्छा शुभ का काम करता है कोई ग्लानी करता है तो बुद्धि को दुख होता है कि नहीं होता है? और कोई ग्लानी नहीं करता है महिमा करता है जहाँ पहुंचेगा वहां महिमा करेगा और महिमा करके अच्छे अच्छे बच्चों को बाप का बच्चा बनाएगा तो सुख होगा या सुख होगा? बाप को सुखी होगा। ज्ञान आने के बाद भक्ति मार्ग करेंगे तो हाँ पता ही ज्ञान मार्ग आने के बाद भक्ति मार्ग करेंगे तो अजन छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ना ही पड़ेगा। ज्ञान में आगे और ज्ञान में आने का जो मूल तंत्र है सही स्थिति में रहो आत्म की स्थिति में रहो अपन को आत्मा समझो आत्मा समझा नहीं और देहवान में आकर के वही दुनिया की परंपराएं निभाते रहे तो दुनिया की परंपराएं निभाएं या भगवान ने जो रास्ता बताया उस पर चले? दुनिया की परंपराएं निभाएंगे भगवान मर जाओ। लौकिक में भी बच्चे होते हैं कोई बात मानता है कोई नहीं मानता न मानने वाले बच्चे के दिल से निकलती है बात के ऐसे तो मुआ बड़ा मर जाता तो अच्छा होता तो सारी जोड़ना पड़ेगा। बाबा कहते तन मन धन समय संपर्क सब स्वाहा करना है तो तन मन धन तो अपने हाथ में है लेकिन संबंधी संपत्ति तो सुनने के लिए तैयार नहीं होते। संबंधी संपत्ति तो दूर दूर भक्ते सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते। जो ईश्वरीय सेवा में लग जाएगा उसके संबंधी संपर्की दूर दूर भागते हैं या जो ईश्वरीय सेवा में नहीं लगता है संबंधियों और संपर्कियों की सेवा में लगा रहता है उसे दूर दूर भागते हैं। जो ईश्वरीय सेवा में लगा रहता है तो वो तो अच्छा ही हुआ ना फिर इससे साबित हो गया कि उसने अपने संपर्कियों को संबंधियों को लगा दिया तभी तो दूर दूर भाग रहे हैं। संपर्कियों की और संबंधियों की जो भी ताकत है उनको सुनाया है तभी तो वो दूर दूर भाग रहे हैं कि बिना सुनाए दूर दूर भाग रहे हैं? उनको सुनाया है इसका मतलब संबंधियों और संपर्कियों की ताकत को उसने लगा दिया। नहीं समझ रहे बाबा गीता पाठशाला में और मिनी मधुबन में जो संधि और कुर्सी अलग की जाती है बाबा के लिए तो उसको भक्ति मार्ग नहीं कहेंगे ना? जो कुर्सी होती है कोई ऑफिस होता है तो जो है ऑफिस का मुखिया होता है उसके लिए कुर्सी अलग नहीं होती है। यहाँ अलग अलग कुर्सी है तो बड़ा क्या बात है? प्रैक्टिकल में है तो रखेंगे नहीं है मरमरा गया तो रखने का कोई मतलब ही नहीं। संगम के बाद सतयुग में शिव की आत्मा तो जड़ोत रहेंगे। सतयुग में शिव होता है क्या? शिव नहीं होता लेकिन शिव इस पृथ्वी पर आकर के आप समान कोई को बना के जाता है या नहीं बना के जाता है?
आत्मन बना दिया जाता है तब तो बच्चे कहता आत्मन बनाओ, नहीं तो क्यों करेगा? जो काम खुद न कर सके वो दूसरों से क्यों कराएगा? तो आत्मन बनाकर जाता है, जो आत्मन बनता है उसका चित्र सत्युग के आज से लेकर के अंतिम जन्म तक त्रेता तक रखा जाता है। सत्युग त्रेता में चित्रकारी होती थी क्या? ऐसे नहीं जो आप चित्रकारी नहीं होती थी और वो चित्र बनाए जाते थे राजा रानी के महाराजा महारानी के, वो चित्र ही द्वापर युग में रह गए और बाकी सब लोग हो गए। इसीलिए बाबा ने बोला है इस शक्ति पर सदा कायम तो कोई चीज है ही नहीं, सदा कायम तो एक क्यों बाबा ही है? कैसे? जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसको बाबा कहा जाता है, साकार निराकार का मेल बाबा कहा जाता है, वो इस शक्ति पर कायम रहता है सदा कायम है। और कोई मनुष्य आत्मा कुछ न कुछ है कायम नहीं रहती, लेकिन वो सदा कायम रहता है। और परम धाम में आत्मा अंतर और बाहर, ये बात इस दुनिया की है या बाहर की है? इस दुनिया की बात है, ऊंच और नीच इस दुनिया की बात है या परम धाम की बात है? परम धाम में शुरू रहने के बाद जड़ जड़ तो है, जड़ तब कहा जाता है जब पांच तत्वों का पुतला सिर्फ पुतला रह जाए उसमें आत्मा न हो, तब कहेंगे जड़। परम धाम में पुतला होता है क्या? होता ही नहीं, वहां की तो बात ही नहीं है। न वहां जस की बात है न चैतन्य की, इतना है कि आत्मा में जो संस्कार भरा हुआ है पार्ट बजाने का, जिस समय जो पार्ट धुन गया वो उसी समय आकर के पार्ट बजाएगा। सुप्रीम सोल का पार्ट धुदा हुआ है तब आके पार्ट बजाएगा, जब जब संगम योग होगा तब आकर पार्ट बजाएगा, क्योंकि पाप और पुण्य का लेखा जोखा उसका बनता ही। उनका पाप बनता है त्रेतर जन्मों में, लेकिन संगम युग में आकर के वो इतना याद करते हैं, इतनी सेवा करते हैं कि उनका किया हुआ पाप सब बस हो जाता है। सन्यासी लोग एक तरफ कहते नारी में कदा है और दूसरी तरफ कहते गंगापति बांध में, गंगा नारी के रूप में उनके सामने है, पानी को गंगा मानते। बाबा बोली आपकी है नहीं होंगे और नौकर चाकर भी नहीं, लेकिन दास दास और चांदल चांदल यहाँ के संगम में भी स्वर की बात बताई है, सचिव की बात नहीं है, यहाँ सब एक जैसे होते हैं। इसलिए सचिव में लक्ष्मी नारायण को गद्दी पर बैठा हुआ दिखाया गया है क्या? दिखाया गया नहीं दिखाया गया? राजाई तो वहाँ की जाती है, शासन वहाँ किया जाता है जहाँ अनुशासनहीन लोग होते हैं। सचिव तो साफ चोला करा कर पूर्ते, कोई अनुशासन ही नहीं था तो कौन किसके ऊपर राज्य करेगा? यहाँ तो ऐसे चांदा चांदा के होता है, यहाँ देखा ना आगे आगे कैसा होता है। जैसे राम सीता की राजगद्दी वाले चित्र में दिखाया है, क्या दिखाया है? हैं तो चारों राम के भाई एक बाप के बच्चे हैं, फिर कोई पांव धो रहा है
कोई छत्तर चला छत्तर लिए खड़ा है, कोई पंखा जला रहा है, ये दास दासी का कर्म करते हुए क्यों सिखाया गया है? कहाँ की यादगार? संगम की यादगार है। अभी रिजल्ट निकला नहीं है, रिजल्ट निकलेगा और सब क्लियर हो जाएगा। सेवा करने वाले बच्चों ने ब्रह्मा जी का प्रयोग करके सेवा करते हुए या शुद्ध सेवा करते वक्त ब्रह्मा जी को प्रयोग करते हैं या शुद्ध के प्रयोग सेवा जो है वो तत्व प्रधान आत्मा करेगी या तमो प्रधान आत्मा करेगी? कौन करेगा? तत्व प्रधान आत्मा ईश्वरीय सेवा करेगी और तमो प्रधान आत्मा आत्मी सेवा करेगी। तो बाप दादा बच्चों में प्रवेश करके सेवा करते हैं, कराते हैं। बच्चे तो तमो प्रधान बने पड़े हैं, लेकिन हाँ इतना है कि बच्चे हिम्मत कर सकते हैं सेवा करने की। हिम्मत करते हैं तो हिम्मत बच्चे मदद बाप की मिल जाती है, दादा साथ में सहयोगी बन जाता है। और आध्यात्मिक मिनी मधुबन क्रम से खुले हैं, इस क्रम से खुले हैं, किसी क्रम से खुले हैं। हाँ। ये तो कोई खास बात नहीं है? खास बात नहीं है। दिल्ली के बाद कौन से दिल्ली बात कर सकता? हाँ। हाँ? बाद में तो लिस्ट निकाली जाएगी, सब निकल आएंगे, उससे क्या कनेक्शन क्या है उसका? और तो वो तो सैकड़ों की तादाद में घुसते जाएंगे, हजारों की तादाद में घुसते जाएंगे और आगे से मधुबन के बाहर नहीं जाएंगे। तो अभी एक बार भी गीता पाठ चला करो, नहीं जाएंगे एक बार भी गीता पाठ चला। क्या बाबा ने बोला नहीं गीता पाठ अलग लगता है, ऐसा बनाओ जैसे मधुबन? ऐसे लोग नहीं है जो गीता पाठ अलग लगता है मधुबन की तरह बनाने में लगे हुए हो? फिर क्या चित्रों से नॉलेज मिलती है, मुख्य नॉलेज है बाप को पहचानने और अपने को पहचानने। तो कौन से चित्र की ओर बाबा ने इशारा किया है? कौन से चित्र के बारे में बाबा ने कहा है? एक होते हैं जड़ चित्र, जड़ चित्र पर बच्चों को समझाया जाता है, और एक होते हैं चैतन्य चित्र। चैतन्य चित्रों से समझदार लोग ऐसे ही बिना समझाए समझ जाएंगे। जैसे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक आए तो उनके जो फॉलोअर थे उन्होंने जल्दी पहचाना ना, किस आधार पर पहचान लिया? देर की देर तादाद में पहचानने वाले निकल आए, किस आधार पर पहचाना? उनकी दृष्टि के आधार पर, उनकी व्यक्ति के आधार पर, उनके व्यवहार के आधार पर, सात्विक व्यवहार के आधार पर उनको पहचान लिया। तो ये सब चैतन्य करेगा या जड़ चित्र करेगा? चैतन्य करेगा। बाबा नारद मुनि का पात्र कौन सी धर्मी आत्मा? अब धर्म में नारद मुनि है नंबर वन। नार द नार माने ज्ञान, द माने देने वाला, जो ज्ञान जल देता है दूसरों को, कहता है चलो बैकुंठ, चलो बैकुंठ, हड़ताल बजाता जाता है लेकिन खुद धरती की दुनिया में सैर करता रहता है। दूसरों को कहता है चलो बैकुंठ, तो पहले क्या करना चाहिए? पहले खुद स्वर्गवासी बनना चाहिए ना, स्वर्गवासी बनना आता स्थिति में स्थित हो जाना। तो हम तब क्या है,
सब नारद ही है ना, एक नारद की बात हो रही है, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते हैं। आत्म की स्थिति में रहो, आत्म की स्थिति में रहो, खुद खुद आत्म की स्थिति में सदैव रहते हैं, नहीं रहते तो नारद हुए ना। Yeah.